एपिसोड 922, आत्मा का सौदा। ध्रुव को सोच में डूबा देखकर विक्की बोला, लेकिन ध्रुव मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर करण को सुमेर की लाश से भला क्या फायदा हो सकता है। ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि सुमेर एक तांत्रिक था, और वो कोई मामूली तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक होने के साथ साथ काली दुनिया से उसका गहरा ताल्लुक था। विक्की ने पूछा, तो उसकी बॉडी का इस बात से क्या लेना देना? ध्रुव ने समझाया, लेना देना ये है कि शायद सुमेर की बॉडी को अब काली ताकतों को बढ़ाने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। ध्रुव की कही ये बात सुनकर तो विक्की और जुल्मी के होश उड़ गए। विक्की बोला, तो इसका मतलब अब तक जो काम सुमेर किया करता था वो करण करेगा, वो भी सुमेर की लाश के जरिए? ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जुल्मी हरेक का मुंह ताकते हुए बोला, अब क्या होगा? ध्रुव बोला, अब आगे जो कुछ भी करना है उसका फैसला तो सीधा हवेली जाकर ही होगा, करण के वहां होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। भंवरी देवी बोली, मैं अपनी साधना करने जा रही हूं, यदि किसी चीज की जरूरत हुई तो बेझिझक मुझे याद करना। ध्रुव ने हां में अपना सिर हिलाया और सबने एक साथ भंवरी देवी के आगे हाथ जोड़े, फिर एक साथ जाकर कार में बैठ गए और हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली में ठकुराइन अपने कमरे में बेचैन होकर चहलकदमी कर रही थी, उनकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी जैसे कि कोई गाड़ी हवेली के गेट से अंदर आई हो। इस आवाज को सुनकर ठकुराइन के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वो बोली, लगता है काम पूरा हो गया, शुक्र है कम से कम वो वक्त पर लौट तो आया। ठकुराइन तेज कदमों से अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकली और जैसे ही वो बरामदे तक बाहर आई, उन्होंने देखा गाड़ी में तो ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बैठा था। ठकुराइन फिक्र भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ठकुराइन के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, साथ ही वो नर्वस भी नजर आ रही थी। तब तक ध्रुव अपने दोस्तों के साथ चलते हुए उनके पास आ गया था। ठकुराइन बोली, ध्रुव तुम यहाँ? कुछ काम था? ठकुराइन ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा, साथ ही नर्वसली मुस्कुरा रही थी और ये बात ध्रुव की नजरों से बच नहीं पाई। वो बोला, जी वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठकुराइन बोली, हाँ हाँ बोलो ना। ध्रुव बोला, वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और ऐसे मौसम में पसीना, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? ठकुराइन हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, अब मैं तो बस अपने कमरे की थोड़ी सफाई कर रही थी, अब अलमारी वगैरह सही कर रही थी तो इसीलिए ये पसीना। खैर तुम बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? ध्रुव उनको गौर से देखता रहा और बोला, वो मैं ये जानना चाहता था कि क्या आपने करण को यहाँ देखा है? मेरा मतलब क्या वो आज यहाँ आया था, या फिर कल से लेकर आज तक क्या आपने उसे हवेली के आसपास देखा है? करण का नाम आते ही ठकुराइन हड़बड़ा गई। वो नॉर्मल बिहेव करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही थी कि ऐसा कुछ तो जरूर था जो ठकुराइन जानती थी और जानबूझकर ध्रुव से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ठकुराइन नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए बोली, करण? कौन करण? अब मैं किसी करण को नहीं जानती। उनकी बात सुनकर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने ठकुराइन को गौर से देखते हुए कहा, करण सुमेर का क्लोज फ्रेंड, जिसका आजकल आपकी हवेली में आना जाना लगा रहता है, आपने उसे जरूर सुमेर के साथ देखा होगा। ठकुराइन साफ इनकार करती हुई बोली, नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा, और अगर ऐसा कोई होगा भी तो वो भला यहाँ क्यों आएगा, कुछ हुआ है क्या? ठकुराइन को गौर से देखते हुए ध्रुव बोला, नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, वो मैं बस यूं ही पूछ रहा था, मुझे लगा शायद आपको उसके बारे में कुछ पता होगा। वैसे मैं तो यहाँ ये कहने आया था कि अगर स्कूल के काम में मेरी तरफ से कोई और मदद चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठकुराइन ने चैन की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, हाँ बिल्कुल, वैसे भी इस काम को शुरू से तुम्ही ने तो संभाला है, तो जाहिर है कि आगे भी तुम्हें ही संभालना होगा। ध्रुव बोला, ठीक है अब मैं चलता हूँ। जैसे ही ध्रुव वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी ठकुराइन भी उल्टे पांव अपने कमरे में चली गई और गहरी सांस लेकर बोली, ओह बाल बाल बच गए, अच्छा हुआ ध्रुव को शक नहीं हुआ, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। इससे पहले कि ध्रुव को शक हो या वो लौट कर आए, मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा।
इधर ठकुराइन से कोई जानकारी न मिलने पर छलावा ने सवाल किया, अब हम क्या करेंगे? करण के बारे में तो इन्हें भी कुछ नहीं पता। ध्रुव के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, इन्हें सब पता है, ये बस छुपा रही हैं और इन्हें ये नहीं पता कि इनके चेहरे की घबराहट और इस ठंड में आने वाला पसीना इनके मन में चल रही हलचल को साफ बयान कर रहा है। तभी हवेली के उस वॉचमैन की नजर ध्रुव पर पड़ी जो ध्रुव से बात करने की फिराक में था। वो जल्दी से इधर उधर देखते हुए ध्रुव के पास आकर बोला, साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ध्रुव बोला, मुझसे बात करनी थी? क्या हुआ बताओ। दूसरा दरबान पीछे से बोला, यहाँ नहीं साहब, आप हमको थोड़ी देर में हवेली के पीछे मिलेंगे, अगर किसी ने हमें आपसे बात करते देख लिया तो आप समझ सकते हो ना। ध्रुव बोला, ठीक है तुम पहुंचो, मैं गाड़ी कहीं बाहर खड़ी करके तुमसे मिलने वहां आता हूँ। इतना कहकर ध्रुव वहां से निकल गया और थोड़ी देर बाद ध्रुव उस दरबान से हवेली के पिछले हिस्से में मिलने पहुंच गया। विक्की बोला, क्या बात है भाई, तुम्हें हमसे ऐसी ही क्या बात करनी थी जो अकेले में मिलने बुलाया? वो दरबान काफी घबराया हुआ लग रहा था। छलावा ने विक्की को रोकते हुए कहा, उसे बोलने का मौका दोगे तभी तो वो कुछ बोल पाएगा, थोड़ी देर शांत रहो। दरबान ध्रुव को देखते हुए बोला, साहब इस हवेली में आजकल बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी हैं। दरबान की ये बात सुनकर ध्रुव हैरानी से अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। ध्रुव को इस बात की पूरी उम्मीद थी, शायद दरबान उससे जो कहने जा रहा था उससे ध्रुव को करण का या सुमेर की बॉडी से रिलेटेड कोई क्लू मिल सकता है। ध्रुव बोला, तुम घबराओ मत, जो भी बात है खुलकर बताओ। दरबान ने फिर ध्रुव और उसके दोस्तों को ठकुराइन के बारे में बताया कि वो किस तरह आधी रात में चुपके से सुमेर के कमरे को धो रही थी और अब वो कैसे काफी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी थी। सारी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, अब तुम जाओ। लेकिन दोबारा उसने दरबान को रोका और उसके हाथ में कुछ पैसे देकर बोला, ये अपने पास रखो और ठकुराइन पर खास नजर रखना, कोई भी अजीब गतिविधि समझ में आए तो तुरंत मुझे फोन करना, ये लो मेरा नंबर। दरबान के जाने के बाद ध्रुव अपने दोस्तों को देखते हुए बोला, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। जुल्मी बोला, कैसा शक? ठकुराइन अपना बेटे के कमरे को धो रही थी तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, और तुमने उस दरबान को पैसे किस बात के दिए? ध्रुव बोला, नहीं जुल्मी, बात सिर्फ सुमेर के कमरे को धोने की नहीं है, बात सबूत मिटाने की है, खून के धब्बों को साफ करने की है। हो ना हो ठकुराइन अब करण के साथ मिल चुकी है और सुमेर की लाश के गायब होने में उन दोनों का ही हाथ है। इतना कहते हुए ध्रुव अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाने लगा। ये देखकर विक्की बोला, अब तू किसे कॉल कर रहा है? ध्रुव बोला, चेरी को। ठकुराइन अपने कमरे में बैठी अभी भी नर्वस नजर आ रही थी। वो मन ही मन बोली, करण को गए हुए कितनी देर हो गई है, अगर वो अपना काम पूरा ना कर पाए तो। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने देखा कि ये कॉल करण का था। उन्होंने जैसे ही कॉल उठाया दूसरी तरफ से करण बोला, काम हो गया है, अब माई और बंजारन को कैसे मनाना है ये आप देख लीजिए, और हाँ ध्यान रखिएगा, अपने बेटे के मोह में आकर मेरा काम भूलने की कोशिश भी मत कीजिएगा नहीं तो। इतना कहते हुए करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ठकुराइन की आंखों में सुमेर के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। और तभी उनका फोन दोबारा बजा। वो कॉल चेरी का था। चेरी का नाम देखकर ठकुराइन थोड़ी कंफ्यूज दिखाई देने लगी। जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से चेरी बोली, आंटी एक जरूरी बात बतानी थी, आपके पास सुमेर तो नहीं है ना? सुमेर का नाम आते ही ठकुराइन हड़बड़ा गई। वो बोली, सुमेर नहीं, नहीं तो भला वो मेरे पास क्यों होगा? चेरी बोली, नहीं दरअसल मैं वही कहने जा रही थी कि अब आपका हवेली में रहना सही नहीं है। ध्रुव ने माई और बंजारन के खिलाफ एक सॉलिड प्लान बनाया है। इस बार सुमेर के गुस्से का शिकार मैं हुई थी, कहीं ऐसा ना हो अब आप उसका शिकार बन जाओ। ठकुराइन बोली, ये तुम क्या कह रही हो, ध्रुव अभी तो यहाँ आया था, इसके बारे में तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। चेरी बोली, वही तो, वहाँ आसपास नौकर वगैरह थे तो वो आपसे बात नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसने मुझे आपको कॉल करके इन्फॉर्म करने के लिए कहा। आप जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी कीजिए ताकि आप उन लोगों के हाथ ना लग जाए। ठकुराइन मन ही मन बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर इस वक्त वो दोनों नाराज हुई तो सुमेर को एक नई जिंदगी नहीं मिल पाएगी, मुझे जल्द से जल्द माई से मिलने जाना होगा। इतना सोचते हुए ठकुराइन ने चेरी से कहा, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और ठकुराइन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर तुरंत बेसमेंट की तरफ बढ़ गई। ध्रुव जो हवेली के पीछे खड़ा कॉल का वेट कर रहा था,
जैसे ही उसके फोन की रिंग बजी वो तुरंत फोन उठाकर बोला, हाँ चेरी, काम हो गया? चेरी बोली, हाँ हो गया। उनकी आवाज से तो लग रहा था कि वो बहुत घबराई हुई थी। ये सुनकर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वो दरबान वापस लौटा और ध्रुव से बोला, साहब आपने जैसा कहा था, ठकुराइन अभी अभी बेसमेंट की तरफ गई है। ध्रुव बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ ठकुराइन हवेली के बेसमेंट में मौजूद थी। वहां बहुत हल्की रोशनी थी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा था। ठकुराइन डरी हुई थी लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ कि आप यही हैं और आप सुमेर के साथ जिस मकसद को पूरा करना चाहती थी उसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इतना कहकर ठकुराइन माई के जवाब का इंतजार करने लगी लेकिन बदले में सिवाय खामोशी के उन्हें कुछ नहीं मिला। ठकुराइन आगे बोली, मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ना चाहती हूँ। आप नहीं जानती लेकिन इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको भी मेरी जरूरत है। मेरी मदद के बिना आप बंजारन को वापस नहीं ला सकती। इस बार ठकुराइन की बातों का असर हुआ। ठकुराइन को महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई मौजूद था। ठकुराइन जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही और अपनी नजरों को घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। तभी माई की आवाज आई, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार रही थी लेकिन मेरा सामना करने की हिम्मत तक नहीं है। ठकुराइन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से माई उसके सामने आ जाएंगी लेकिन उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं यहाँ आपसे और बंजारन से एक सौदा करने आई हूँ। ठकुराइन की बात सुनकर माई ठहाके लगाकर हंसते हुए एकदम से उसके सामने हवा के झोंके की तरह आई और उसे घूरते हुए बोली, सौदा? एक शक्तिहीन अकाया हमसे सौदा करने आई है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसका सौदा करने तुम मेरे पास आई हो? ठकुराइन के माथे पर उभर आए पसीने की बूंद साफ बता रही थी कि माई को सामने देखकर उसकी क्या हालत हो रही थी। लेकिन फिर भी ठकुराइन ने हिम्मत करके कहा, मैं उस अर्धनारी की बात कर रही हूँ जिसे आप शरीर सौंपने के लिए मना नहीं पाई, मैं वो कर सकती हूँ। ठकुराइन की बात सुनकर माई जोर जोर से हंसने लगी, तुम मनाओगी उसे? अपने बेटे पर तो तुम काबू नहीं कर पाई। तुमने अपनी जिंदगी में कोई सफलता हासिल की है? नहीं, और तुम हमसे सौदा करने चली हो? अपने बेटे को जान से मारने के बाद भी तुम हमारे सामने खड़ी हो? इससे पहले कि तुम्हारी सारी गलतियों को मैं याद करूं और तुम्हें यहीं खत्म कर दूं, चली जाओ यहां से। ये सुनकर ठकुराइन सकपक आ गई। शायद उसने ये नहीं सोचा था कि माई को सब पता होगा। ठकुराइन अपनी सारी हिम्मत बटोरती हुई बोली, मेरा और सुमेर का मामला निजी है लेकिन मैं आपसे जो सौदा करने आई हूँ ये मेरे और आपके बीच का मामला है। माई बोली, अच्छा तो बताओ क्या सौदा है? ठकुराइन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि इस काम के बदले में आप सुमेर को एक नई जिंदगी दो। माई कुछ सोचती हुई मन ही मन में बोली, सौदा बुरा नहीं है, सुमेर किसी ना किसी तरह हमारे काम ही आएगा लेकिन ये ठकुराइन हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है। हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। माई ठकुराइन को देखती हुई बोली, ठीक है ये सौदा हमें मंजूर है लेकिन सुमेर को नई जिंदगी तभी मिल पाएगी जब उसकी जान के बदले तुम किसी और आत्मा को अंधेरे के हवाले करोगी। ये सुनकर ठकुराइन घबरा गई और बोली, किसी और आत्मा को? लेकिन मैं किसकी आत्मा को अंधेरे के हवाले कर सकती हूँ? माई खौफनाक आवाज में बोली, तुम्हारी आत्मा। माई की बात सुनकर ठकुराइन को जैसे सांप सूंघ गया।